Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain the chapter number 3, Python Fundamentals. Okay, first of all we will see the introduction part. Okay, the introduction of a Python Fundamentals. आप सबको पता है कि कंप्यूटर में जो भी टास्क परफॉर्म होता है वो IPO साइकिल को फॉलो करता है, ठीक है. तो ईच एंड एवरी टास्क आर गवर्न्ड बाय द IPO साइकिल. IPO का फुल फॉर्म होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट. अगर हम कीबोर्ड से कोई टास्क इनपुट करवाते हैं तो CPU उसके रिलेटेड जो भी एक्शन होता है वो परफॉर्म करता है, यानी प्रोसेसिंग करता है. फिर उसके रिलेटेड जो भी हमारा आउटपुट होता है वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले होता है. तो जो भी हमारा टास्क होता है वो IPO साइकिल को फॉलो करता है, उसके थ्रू गवर्न होता है, ठीक है ना. तो इनपुट तो हम कह सकते हैं देयर इज़ अ सर्टन इनपुट एंड सर्टन काइंड ऑफ प्रोसेसिंग एंड आउटपुट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना. हमारे डे टू लाइफ डेली जो कंप्यूटर लाइफ के एक्शंस होते हैं वो यही साइकिल को परफॉर्म करते हैं, ठीक है. आप सबको पता है कि व्हाट इज़ प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न्स द प्रोसेसिंग. यानी प्रोसेसिंग करने के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हम कहें तो सेट ऑफ जो रूल्स होते हैं उसे हम एक तरह का प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है ना. प्रोग्राम में ईच एंड एवरी टास्क स्टेप बाय स्टेप लिखे होते हैं कि फर्स्ट हमें इनपुट लेना है, फिर उसके ऊपर हमें ये कैलकुलेशन करना है. कैलकुलेशन करने के बाद वो जो डिज़ायर्ड आउटपुट है किस मैनर में हमें आउटपुट स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करना है, वो सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप हमें इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, जो कि वो प्रोसेसिंग का एक पार्ट है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं अ प्रोग्राम फॉर्म्स द बेस फॉर अ प्रोसेसिंग. ओके, तो इन दिस चैप्टर हमें यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें कंटेंड होती हैं वो सीखना है. पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर जो पाइथन के बेसिक्स हैं लाइक अ कैरेक्टर सेट्स, टोकन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, वो ये सारी चीज़ें पाइथन प्रोग्राम के रिलेटेड हम इस चैप्टर में यहाँ पे आज सीखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. अभी हम यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे पाइथन कैरेक्टर सेट. पाइथन कैरेक्टर सेट्स में क्या होता है? व्हाट इज़ कैरेक्टर सेट? कैरेक्टर सेट इज़ अ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज. किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं, तो उस वैलिड कैरेक्टर्स को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट कहते हैं. तो जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किस कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है? तो हमारा पाइथन जो है वो सपोर्ट्स द यूनिकोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड. तो यूनिकोड कैरेक्टर सेट जो होता है उसे हमारा पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट करता है. तो आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइथन विच कैरेक्टर सेट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट और यूज, तो आपको यूनिकोड इनकोडिंग स्टैंडर्ड या फिर यूनिकोड कैरेक्टर सेट आपको लिखना होगा. अब इस कैरेक्टर सेट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो आपको बताना है. तो सबसे पहले आपके कैरेक्टर सेट में लेटर्स होते हैं, कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 कॉम्बिनेशन से कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हम पाइथन के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. हमारे पास वेरियस स्पेशल सिम्बल्स होते हैं, जैसे कि एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए वेरियस एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन, वेरियस ऑपरेटर्स हमारे पास उसके रिलेटेड होते हैं. और बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स होते हैं और बहुत सारे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड, सेमी कॉलन, कॉलन, इस तरह के हमारे पास स्पेशल सिंबल होते हैं जो हमें आइडेंटिफायर वगैरह वेरियस क्लासेस वगैरह क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. हमारे पास इसके अलावा बहुत सारे वाइट स्पेसेस होते हैं लाइक अ ब्लैंक स्पेस, टैब की, कैरेज रिटर्न, न्यू लाइन, कैरेक्टर, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे वाइट ब्लैंक स्पेसेस होते हैं जो कि हमारे कैरेक्टर सेट का पार्ट होता है. इसके अलावा भी हम पाइथन के जो जो जितने भी ऑल आस के कैरेक्टर सेट हैं वो सारे कैरेक्टर सेट से हमारा डेटा और लिटरल हमारे पाइथन में क्रिएट होता है, ठीक है. नाउ हमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि टोकन्स. व्हाट इज़ टोकन? आपको अगर पूछा जाए तो टोकन को हम लेक्सिकल यूनिट्स भी कहते हैं या फिर लेक्सिकल एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है. द टेक्स्ट, इंडिविजुअल वर्ड्स और पंक्चुएशन मार्क्स आर कॉल्ड टोकन, लेक्सिकल यूनिट और अ लेक्सिकल एलिमेंट, ठीक है ना. आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए व्हाट इज़ टोकन और व्हाट इज़ लेक्सिकल यूनिट, तो आपको लिखना है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम और अ पाइथन प्रोग्राम इज नॉन एज अ टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट. यहाँ हम एक सिंपल इंग्लिश सेंटेंस के मदद से समझते हैं कि इन जनरल हम जो इंग्लिश सेंटेंस लिखते हैं उसमें टोकन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. तो ईच एंड एवरी वर्ड, जैसे कि हमने देखा, इंडिविजुअल वर्ड, पंक्चुएशन मार्क, टेक्स्ट जितने भी होते हैं सब एक तरह के लेक्सिकल
सिंगल यूनिट या एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ हुर्रे, ही, एक्सप्लेन, वी, आर, द, वर्ल्ड, चैम्पियन, ये सारे क्या हैं, हमारे इंडिविजुअल वर्ड्स है, ठीक है ना। तो ये एक टोकन का एक एलिमेंट है, पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ डबल इन्वर्टेड, एक्सक्लेमेशन साइन, कॉमा, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। दैट ऑल आर अ पंक्चुएशन मार्क, ये भी हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर सेट है जो कि हमने यहाँ पे देखा कि स्पेशल सिंबल्स के अंदर पाइथन में इंक्लूड होता है। बट ये जनरल इंग्लिश का सेंटेंस है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा जो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अंदर भी लेक्सिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि वेरियस वर्ड्स हो गए, वेरियस पंक्चुएटर्स हो गए, वेरियस टेक्स्ट हो गए, वो सारे हमारे टोकन्स कहलाते हैं। उसी तरह से अगर हम पाइथन प्रोग्राम के लैंग्वेज के बारे में बात करें, तो दिस इज़ द स्मॉल पाइथन प्रोग्राम हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसके अंदर क्या क्या टोकन्स हैं, कौन सी चीज़ें लेक्सिकल यूनिट है, किस तरह है, वो आपको यहाँ पे समझाया गया है। ये हैशटैग, दिस इज़ अ स्पेशल सिंबल, और ए, सैम्पल, प्रोग्राम, ये सब क्या है, ये सब एक तरह के स्ट्रिंग आइडेंटिफायर है, स्ट्रिंग वैल्यूज़ है, ठीक है। इसे हम लिटरल भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल लिखा हुआ है। नेम क्या है, एक तरह का आइडेंटिफायर है, ठीक है। आनिया क्या है, एक तरह का स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। नाउ हमारे पास यहाँ पे एज एक तरह का आइडेंटिफायर है। 15 क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिकल लिटरल है, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू हम इसको कहते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हमारे पास एक फ्लोट लिटरल है, ठीक है। और इस दिस इज़ अ फ्लोट, हमारा फ्लोट डेटा टाइप का हमारा एक आइडेंटिफायर है। और 710.75 जो हमारी वैल्यू है, दिस इज़ द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और अ लिटरल, हम इसे ये कहेंगे। वेरियस डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग वेरियस लिटरल्स होते हैं, वो आगे चल के आपको समझाया जाएगा, तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि एक्चुअली लिटरल कितने टाइप के होते हैं, वो भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। नाउ हमारे पास एक आउटपुट फंक्शन होता है जिसका नाम होता है प्रिंट। प्रिंट इज़ वॉट, हियर हियर प्रिंट इज़ अ की वर्ड। पाइथन के जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जो उसके सिंटेक्स यूज़ करने में जो इतने भी वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं, दैट आर कॉल्ड द की वर्ड। तो की वर्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट हमारा यहाँ एक की वर्ड है। तो नेम, एज्ड, दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल, एज इज अ आइडेंटिफायर, फिर हैज़ कंट्रीब्यूटर इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, कंट्रीब्यूशन इज अ ऑल्सो आइडेंटिफायर, ये, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। दीज आर द स्पेशल सिंबल। तो इस तरह से इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, एक पाइथन प्रोग्राम बनता है। तो व्हाट आर दीज, दीज ऑल दीज आर द लेक्सिकल यूनिट, और वी कैन कॉल अ लेक्सिकल एलिमेंट और अ टोकन्स, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्राम किससे बनता है, इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ अ ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द टोकन। तो जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट होते हैं, चाहे वो कीवर्ड्स हो जाए, चाहे वो एक आइडेंटिफायर हो, चाहे वो एक लिटरल हो, चाहे वो एक स्पेशल सिंबल हो, वाइट स्पेसेस हो, इन सब के कॉम्बिनेशन से एक पाइथन प्रोग्राम बनता है, जिसे हम टोकन्स कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने टाइप्स के टोकन्स हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। पाइथन हैज़ द फॉलोइंग टोकन्स, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, पंक्चुएटर्स, ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ अ टोकन। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लिस्ट आउट द टोकन्स ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, तो आपको ये 5 नेम्स वहाँ पे लिस्ट आउट करना है। और टोकन्स की डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी हुई है, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नॉन एज अ टोकन और अ लेक्सिकल यूनिट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज की वर्ड। पाइथन के जो रिजर्व वर्ड है, जिनका एक अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है, जिसको मीनिंग होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए, जिसे हम दे आर रिजर्व फॉर द स्पेशल पर्पज, ठीक है, और इसे हम एज अ आइडेंटिफायर नेम्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम कीवर्ड कहते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है, कीवर्ड अ वर्ड हैविंग द स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑल दीज की वर्ड्स आर नॉन एज अ कीवर्ड। यहाँ पे आपको टेबल में वेरियस कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे जैसे आप पाइथन लैंग्वेज सीखते जाओगे, वैसे वैसे सारे कीवर्ड्स के बारे में आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे जानने हैं, जैसे कि ग्लोबल हो गया, लैम्डा हो गया, नॉन लोकल हो गया, रेज हो गया, यील्ड हो गया, ठीक है ना, हॉट हो गया, फाइनली हो गया, ये सारे भी कीवर्ड्स एक तरह के कीवर्ड्स हैं। ये सब आपको ध्यान रखना है। आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट आर द वैलिड आइडेंटिफायर और व्हाट आर द वैलिड कीवर्ड्स। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें हाईलाइट करके रखनी है, याद रखनी है कि ऑल दीज आर द कीवर्ड। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते जाओगे पाइथन की, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली आपको ये कीवर्ड्स के बारे में नॉलेज आता जाएगा कि ऑल दीज आर द कीवर्ड्स, ठीक है ना। अब नाउ आइडेंटिफायर, व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर को हम नॉर्मल जनरली नेम्स कहते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफायर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम्स बनाने के लिए फंडामेंटल जो नेम्स यूज होते हैं, उसे हम प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम में आइडेंटिफायर कहते हैं। दे आर
they are used as the general terminology for the names to given to the different parts of the program. Program के जो different different parts होते हैं उसके अंदर उनको naming देने के लिए हम ये identifier को use करते हैं, first such as variables create करने के लिए, object create करने के लिए, classes create करने के लिए, function create करने के लिए, list, dictionaries, इन सबको create करने के लिए हम identifier का name यहाँ पे use करते हैं. इन building blocks को हम लोग use करते हैं, ठीक है ना. तो आइडेंटिफायर क्रिएट करने के हमारे पास वेरियस रूल्स हैं जो हमें यहाँ पे सीखना है कि आइडेंटिफायर जब हम क्रिएट करते हैं कि वो कितने भी लॉन्ग सीक्वेंस का हमारा आइडेंटिफायर हो सकता है. यानी इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको 10 मैक्सिमम 10 डिजिट के ही आइडेंटिफायर क्रिएट करना है, लिमिटेशन नहीं है. यू कैन क्रिएट एनी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर्स एंड डिजिट का कॉम्बिनेशन करके आप आइडेंटिफायर का लॉन्ग सीक्वेंस नेम क्रिएट कर सकते हो. फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर. लेटर में क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल और स्मॉल, ए टू जेड और एज वेल एज द अंडरस्कोर. एक ही स्पेशल सिंबल यहाँ पे यूज होता है जिसका नाम है अंडरस्कोर. अंडरस्कोर के अलावा आप कोई अनदर स्पेशल सिंबल आइडेंटिफायर क्रिएट करने में यूज़ नहीं कर सकते, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. आपको ये पॉइंट अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है व्हाट इज़ वैलिड आइडेंटिफायर और व्हाट आर इनवैलिड आइडेंटिफायर, ठीक है ना. तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान, ये सारे रूल्स को फॉलो करते हुए आपको वैलिड इनवैलिड को रिकॉग्नाइज करना होगा आइडेंटिफायर में से. इट कैन बी अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट. पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, आपको पता होना चाहिए. केस सेंसिटिव का मीनिंग ये होता है कि अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट ट्रीट होता है. अगर मैंने लिखा है ए जी ई एज, एज में ए कैपिटल लिखा है और एक स्पेलिंग लिखी है ए जी ई एज, उसमें ए स्मॉल लिखा है, तो दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर कंसिडर होंगे क्योंकि लेटर्स इसमें ए के दोनों के डिफरेंट है. तो ऑल द कैरेक्टर आर अ सिग्निफिकेंट, यानी आपको ये याद रखना है पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लेटर, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आपको ये इस केसेस के बारे में आपको डिफरेंटिएट मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना. नाउ 0 to 9 कैन बी अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर. आपका जो डिजिट है 0 to 9 कॉम्बिनेशन का, वो आपके आइडेंटिफायर में कहीं भी आ सकता है एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर. फर्स्ट कैरेक्टर में आपको ऑलवेज लेटर या फिर अंडरस्कोर ही रखना है, हमने सेकेंड रूल में देख लिया है. आपको डिजिट आप फर्स्ट कैरेक्टर कभी भी रख नहीं सकते हो, ये आपको याद रखना है. आइडेंटिफायर आर अनलिमिटेड इन लेंथ एंड केस इज सिग्निफिकेंट. पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव एज इट ट्रीट्स अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर डिफरेंटली. हमने ऑलरेडी ये पॉइंट देख लिया है कि अनलिमिटेड लेंथ का आप किसी भी लॉन्ग सीक्वेंस लेटर और डिजिट के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हो, और केस सेंसिटिव होने की वजह से अपर और लोअर केस डिफरेंटली ट्रीट होता है, ठीक है. आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड. हमने कीवर्ड पढ़े ना, सिंटेक्सेस क्रिएट करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग के जो जितने भी वर्ड्स यूज कर लिए गए हैं, ऑल आर द रिजर्व वर्ड्स और दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर और इंटरप्रेटर. तो इन कीवर्ड्स का यूज हम आइडेंटिफायर के नेम में कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं. एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट द फॉर अ अंडरस्कोर. मैं जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको इस पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया है कि आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेटर और अंडरस्कोर होना चाहिए. तो अंडरस्कोर कैरेक्टर के अलावा आप आइडेंटिफायर के कहीं जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर का आप आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हो उसमें आप एज अ स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर के अलावा और कोई भी, जैसे कि डॉलर हो गया, पॉइंट हो गया, डैश हो गया, ये सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते. आपको माइंड में ये रखना है कि ओनली अंडरस्कोर कैन बी यूज इन द आइडेंटिफायर. ओके, तो ये सारे आपके जो रूल्स हैं वेरियस, ये आपको याद रखना है व्हाइल क्रिएटिंग अ आइडेंटिफायर इन अ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आपके सामने यहाँ पे कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर दिए हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाई इट इज़ अ वैलिड और व्हाई इट इज़ अ इनवैलिड, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे द फॉलोइंग आर द सम वैलिड है, यानी ये आइडेंटिफायर हमारे सही हैं. जैसे कि माई फाइल, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, तो ये राइट है. केस सेंसिटिव का भी यहाँ पे और यहाँ पे आप माई फाइल देखो, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन इसकी केसेस डिफरेंट है. यहाँ पे वाई स्मॉल है, यहाँ पे फाइल की पूरी स्पेलिंग स्मॉल है. तो बोथ आइडेंटिफायर ट्रीटेड डिफरेंटली इन अ पाइथन, स्पेलिंग सेम होने के बावजूद भी, क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, दोनों आइडेंटिफायर को डिफरेंटली ट्रीट करेगा. सी एच के कैपिटल है और कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेटर है तो ये भी वैलिड है, ठीक है.
जेड टू फर्स्ट कैरेक्टर लेटर से स्टार्ट हुआ है, सेकंड कैरेक्टर में हमारा डिजिट है जो कि वैलिड है, फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, तो सिंटैक्स को फॉलो कर, सिंटैक्स को रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ वैलिड आइडेंटिफायर. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट है डेट 97 underscore इधर यूज़ हुआ है, तो underscore सिंबल के अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं करते और स्टार्टिंग भी लेटर्स है इसलिए ये वैलिड है. underscore कैरेक्टर से हम स्टार्ट कर सकते हैं लेटर एज वेल एज underscore, तो ये भी एक तरह से वैलिड है. फाइल 13 ये भी वैलिड है, underscore कैरेक्टर सिंबल स्पेशल सिंबल हमने यूज़ किया है इसलिए ये भी एक तरह का वैलिड आइडेंटिफायर है. ठीक है, अब इनवैलिड में देख लेते हैं और रीज़न भी देखते हैं कि क्यों इनवैलिड है. आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच आर द, बहुत सारे आइडेंटिफायर्स के नेम होते हैं और पूछा जाता है कि विच आर द इनवैलिड एंड स्टेट वेदर वाई इट इज़ अ, वाई इट इज़ अ इनवैलिड. रीज़न के साथ आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है. तो जैसे कि डेटा डैश रैक लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे एक डैश सिंबल यूज़ हुआ है, स्पेशल सिंबल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते. आइडेंटिफाई कैन नॉट कंटेन द स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट द अंडरस्कोर. ठीक है, तो यहाँ पे डैश यूज़ हुआ है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ वॉट इट इज़ अ इनवैलिड आइडेंटिफायर. ओके, नाउ हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है टू से स्टार्ट हुआ है. जैसे कि आप सबको पता है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अ अंडरस्कोर, तो ये डिजिट तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ये क्या है, स्टार्टिंग विथ अ डिजिट इसका रीज़न है कि इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर. ब्रेक, वॉट इज़ ब्रेक, ब्रेक इज़ अ की वर्ड. हम ऊपर देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देखो तो ब्रेक कहाँ लिखा हुआ है, हियर 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 ब्रेक. सी, ब्रेक हमारा एक तरह का कीवर्ड है, ठीक है, रिजर्व वर्ड है पाइथन का, तो सिंटैक्सिस क्रिएट करने में यूज़ हो चुका है, तो दिस इज़ अ रिजर्व वर्ड, आपको ये रीज़न देना है और दिस इज़ अ कीवर्ड ऑफ अ पाइथन, तो इसलिए ये इनवैलिड आइडेंटिफायर. हमने देख लिया कि आइडेंटिफायर कीवर्ड मस्ट नॉट बी अ एन आइडेंटिफायर नेम. तो माई डॉट फाइल, यहाँ पे डॉट सिंबल यूज़ हुआ है, तो हम जानते हैं कि अंडरस्कोर के अलावा कोई भी हमारा स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई इट इज़ अ इनवैलिड आइडेंटिफायर. तो इस तरह से आपको वेरियस वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर रीजंस के साथ एक्सप्लेनेशन करने के लिए पूछा जाता है. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे कोई क्वेरी हो तो इसके रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.